subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates. फिर सवाल करती हूँ न्यूट्रल से कि आपकी न्यूट्रलिटी पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन क्या ये सारा कुछ आपने सोचा था जब आपने साजिश को सपोर्ट दी? क्या आपने सोचा था मईशत की तबाही, कानून की खिलाफ वर्दी, पार्लियामान की सुप्रेमेसी ख़त्म, जमहूरियत की तबाही, ये सारी चीज़ें आपने सोची थी? क्योंकि जो शरीफ और ये चोरों का टोला है क्राइम मिनिस्टर का, इन्होंने तो अपना सोचा था कि अपनी सारी रिलीफ मिलेगी, इनके केसेस जो भी इनको सेंटेंसिंग होने वाली थी ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन न्यूट्रल्स ने क्या सोचा था? किस क्या वजह थी कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ आपने साजिश कामयाब होने दी? ये सवाल कौम भी पूछ रही है, ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं और हमें इनके जवाब चाहिए। थैंक यू। आप मान लेते हैं? हाँ, आप बताइए, आप तस्लीम करते हैं? मुझे बताएं, ये सोचने वाली बात है कि 7 तारीख को साइफर आता है, 8 तारीख को टेबल होता है नो कॉन्फिडेंस, और एकदम से जो हमारी एलाइड पार्टीज थी वो सडनली, और हमें पता है उनके ताने बाने किधर मिलते हैं, वो सिंध हाउस की तरफ जाती हैं और ऑपोजिशन की तरफ, उस वक्त की ऑपोजिशन की तरफ जाती हैं। हमारे डिसिडेंट्स, एक हमारा जो माइनॉरिटीज का डिसिडेंट था वो तो किसी रेस्ट हाउस में रह रहा था जो कि न्यूट्रल्स का रेस्ट हाउस था। तो मतलब है कि अब आगे और भी बहुत सी बातें हैं जो अभी मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन सबको पता है कि न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं थे, या तो फिर आपने न्यूट्रल की डेफिनेशन बदल दी होगी, लेकिन कोई न्यूट्रल नहीं है इसमें। और सवाल और भी उठता है, कोई न्यूट्रल रह सकता है जब वो देखता है मुल्क की तबाही हो रही है, जब एक बैरूनी साजिश हो रही है, तो फिर न्यूट्रल कोई रह सकता है? ये सियासत का इशू है ही नहीं, ये बैरूनी साजिश का हिस्सा है, अमेरिका की साजिश का हिस्सा है। तो जो मुल्क के इदारे हैं वो ऐसी साजिश में न्यूट्रल रह भी सकते हैं? ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का इशू है। तो मुझे आप बताएं कि ये न्यूट्रलिटी इसमें किधर आती है? देखिए, राणा सनाउल्ला ने तो खुद धज्जियाँ उड़ा दी हैं कानून की। पहले वो अपने आप को कानून में एजुकेट कर लें, कानून समझ लें, फिर आके बात करें। इस ऐसी धमकियाँ देने से वो समझते हैं हम खौफजदा हो जाएंगे। हम नहीं खौफजदा होते, और आज तक इमरान खान कभी खौफजदा हुआ है, और वो भी एक कातिल की धमकियों से। जी देखिए, कारकर्दगी हमारी, हमने तो वेबसाइट पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जिसकी मैं मिनिस्टर थी, कारकर्दगी हमने जितनी की है, 8 बिल हमने पास करवाए, कानून बनाए हैं एक मिनिस्ट्री ने, आप बाकी का रिकॉर्ड चेक कर ले। फिर एहसास का प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, ये सारी हमारी कारकर्दगी है, कारकर्दगी है। फिर आप एक्सपोर्ट्स देखें कितनी बड़ी हैं, आप सारी इवन मईशत को देखें किस तरह संभाले, हमें जो मिला था और हमने कैसे सही किया, बचाई मईशत। तो ये कारकर्दगी है और सामने है और वाजे है, और इस पर बहुत बातचीत हुई है। लेकिन इस वक्त हमारी जंग है कि हम कौम की सॉवरेनिटी वापस लें, हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वापस असर्ट करें, और ये जो अमरीका की साजिश है इसको हम डिफीट करें, इसको शिकस्त दें। जो
देखिए मैं समझती हूँ ये गलत है। अगर आप रिकॉर्ड देखें, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस कम हो गए थे हमारे पीरियड में। हमें अफसोस है, हमने कोशिश की कि हम कानून लाएं, नेशनल असेंबली से पास हुआ, उसमें भी काफ़ी मुदाखलत हुई स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो सर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इवेंचुअली फ़ारूक नसीम, जो कि सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ हमें जिसने ख़राब किया है कैबिनेट में, उसने वो बिल रोका रहा, फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने उसको कहा कि ये आज रात को बाय सर्कुलेशन पास कराओ और टेबल करो। जब ये हो गया, सुबह मुझे कॉल आती है हाजिरी देने की एक इंटेलिजेंस के दफ्तर में कि ये कैसे हुआ, और फर्रुख नसीम वहाँ जाके बताता है कि ये गलत है, ये वो नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी नहीं मानी और हमने टेबल किया। फिर इन्होंने हमारी इंटीरियर कमेटी, जो इंटीरियर ने इस बिल को ले लिया था हमसे, उधर इन्होंने कोशिश की उसमें ऐसी क्लॉजेज डालें कि वो बिल की तबाही हो जाए। वो बिल जब कमेटी से आया नेशनल असेंबली में, मैंने अमेंडमेंट्स डाल के उस बिल को दुरुस्त कराया और पास करवाया, और अब जाके सेनेट में वो, जैसे मैं कहती हूँ, गायब सा हो गया। उसके अलावा अगर आप देखें, आप पहली दफ़ा जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स का कानून जो आया है, मैं समझती हूँ उसमें अगर कोई थोड़ी खामियां भी हैं, इट इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कानून जो आया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। वो हम लाए हैं, उसकी भी काफ़ी मुदाखलत हुई है, 2.5 साल लगे थे उसको भी फाइनली पास करवाने में। फिर हमने क्या कहते हैं, हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस को, बिल कानून को अमेंड किया, जिसमें हम पहली दफ़ा डोमेस्टिक वर्कर्स को उस कानून के दायरे में लाए हैं। तो मैं मतलब मैं हमने चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर इस्लामाबाद के फेडरल टेरिटरी में बैन करवाया, 1991 के चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट की अमेंडमेंट। जैनब अलर्ट आया, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ का कानून लाए। तो मतलब है ये सारी एक मिनिस्ट्री का है, बाकी मिनिस्ट्रीज़ में भी बहुत काम हुआ है, मैं सिर्फ एक का बता रही हूँ। तो ये कहना कि इंसानी हकूक के हवाले से कुछ नहीं हुआ, और आप देख लें अप्रैल से जिस तरीके से इन्फोर्स डिसअपीयरेंस हो रहा है बलोच स्टूडेंट्स का, उसकी तादाद आप देखें एकदम से बढ़ गई है हमारी हुकूमत गिरने के बाद। इनके किसी मिनिस्टर ने किसी बलोच बच्चे से बातचीत नहीं की, उनके कैंप लगे रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान मिले थे फैमिलीज से, मुदस्सर नारू की फैमिली से मिले थे। हम ये नहीं कहते हम कामयाब हुए सबकी रिकवरी में, लेकिन एक सपोर्ट और सिंपथी तो दिखाई, हम कोशिश तो कर रहे थे। इस हुकूमत का कोई बंदा नहीं गया बलोच स्टूडेंट के कैंप लगे हुए थे, उनके साथ जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। इवेंचुअली प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने नोटिस लिया और कायद आज़म यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन और VC को बुला के उनको कहा कि ये रिजॉल्व करो इशू, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी आपको पता है इस हुकूमत ने नहीं अपॉइंट किए थे। तो मतलब है कि फ़र्क साफ आपको ज़ाहिर हो जाना चाहिए। हमारा अप्रोच और जो हमारे पनागाज बने, हमारे क्या कहते वो जो नोबडी विल गो हंग्री, कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम, इन्होंने आके सारे ख़त्म कर दिए। और सबसे बड़ा जो हेल्थ कार्ड की स्कीम है, जिससे आम शहरी को पूरे पाकिस्तान में फ़ायदा मिल रहा है वो, और इन्होंने क्या करें एहसास के साथ कि जो 8 लाख बंदे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, जो फ्रॉडुलेंटली लिस्टों पे थे बिस्क के, हमने वो इन्वेस्टिगेट करके हटाए। ये शाजिया मरी ने कहा सारे लोगों को वापस ले आओ, क्योंकि ये इनके लोग फ्रॉडिया थे जो पहले लिस्ट में थे, वो सारे वापस दे दिए ताकि टैक्स पेयर पैसा फिर गलत जगहों पर जाए, गलत लोगों के पास जाए। मैं बात नहीं कर रही, मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो भी थे लोकल अबेटर्स, और मैं सवाल उठा, इसी वास्ते मैंने सवाल उठाए कि क्या सो कॉल्ड न्यूट्रल्स ये चाहते थे कि साजिश कामयाब हो, मईशत तबाह हो, जो लूट घसूट वाले हैं वो वापस पावर में आके अपने केसेस ख़त्म करें, चाहे ये चाहते थे, चाहे ये न्यूट्रल्स चाहते थे कि हम अमरीका की ग़ुलामी करें, हिंदुस्तान से तजारत शुरू कर दें, हालांकि जो वो कश्मीर में ऑक्यूपाइड कश्मीर और मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो हो रहा है, उसके बावजूद क्या न्यूट्रल्स चाह रहे हैं कि इसराइल को हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, हालांकि पैलेस्टिनियंस के साथ जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, और अब वो जो जर्नलिस्ट को पॉइंट ब्लैंक मारा गया है शिरीन को उधर,
इजरायली फोर्सेस ने, और आपका एक एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई जाके इसराइल से बातचीत कर रहा है। मतलब है ये न्यूट्रल्स ये चाहते थे, ये पाकिस्तान की पॉलिसी, वो फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं जिसमें कोई आज़ादी ना हो, ताकि फिर हम किसी और की जंग में आ जाएं। कि यूक्रेन की जंग है और हमें सबक सिखाया जा रहा है, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी कौम के लिए सस्ता तेल और सस्ती गंदम खरीदना चाह रहे थे। ये कहाँ का इंसाफ है? ओके, थैंक यू। By clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.